हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए राजस्थान बोर्ड द्वितीय मूल्यांकन प्रपत्र कक्षा 11 भूगोल का फुल सलूशन। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको हमारे आने वाले लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए फ्रेंड्स, देख लेते हैं पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ। पहला क्वेश्चन दिया हुआ इसमें, निम्न में से कौन सी भूकंप तरंगी चट्टानों में संकुचन व फैलाव लाती हैं। चार ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें। पहला ऑप्शन दिया हुआ है पी तरंगे, एस तरंगे, धरातली तरंगे, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर पहले का करेक्ट आंसर हो जाएगा का नंबर पी तरंगे। इसको नोट करिए अपनी कॉपी में। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर दूसरा दिया हुआ है, निम्न में से कौन भूगर्भ की जानकारी का प्रत्यक्ष साधन है। चार ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें। पहला ऑप्शन दिया हुआ है भूकंपीय तरंगे, गुरुत्वाकर्षण बल, ज्वालामुखी, पृथ्वी का चुंबकत्व। तो क्वेश्चन नंबर दूसरे का गा नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा ज्वालामुखी। इसको नोट करिए अपनी कॉपी में। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर तीसरा दिया हुआ है, मंडल का ऊपरी भाग कहलाता है दुर्बलता मंडल, क्रोध, निफेश, स्थल मंडल। तो मंडल का ऊपरी भाग क्या कहलाता है, तो मंडल का ऊपरी भाग कहलाता है दुर्बलता मंडल। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन नंबर चौथा, मैग्मा भंडारों के जमे हुए भाग से बनने वाली स्थलाकृति है सिल, डाइक, बैथोलिक और लैपोलिथ। तो क्वेश्चन नंबर चौथे का गा नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा बैथोलिक। इसको नोट करिए अपने कॉपी में जल्दी से। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर पाँचवा दिया हुआ है, भूकंप का प्रकार नहीं है विवर्तनिक, ज्वालामुखी, जन नियत और मेंटल। क्वेश्चन नंबर पाँचवें का गा नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा मेंटल। इसे आप जल्दी से नोट करिए अपनी कॉपी में। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर छठा दिया हुआ है, निम्न में से कौन सी शैल अवसादी नहीं है, डायलाइट, ब्रेसिया, बोरेक्स, संगमरमर। क्वेश्चन नंबर छठे का घ नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा संगमरमर। इसे आप जल्दी से नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में। दोस्तों, अगर आप इसकी PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप गूगल पर सर्च करें nithyashreefoin.com, तो वहाँ से आप इसकी PDF डाउनलोड कर पाएंगे। अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करिएगा। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है, वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करिएगा फ्रेंड्स। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया सातवां नंबर, निम्न में से कौन सा कायंत्रित शैलों का लक्षण है, परिवर्तनीय, क्रिस्टलीय, शांत, पत्रण। क्वेश्चन नंबर सातवें का नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा परिवर्तनीय। इसे जल्दी से नोट करिए अपनी कॉपी में। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर आठवां दिया हुआ, प्राथमिक शैल है आग्नेय शैल, अवसादी शैल, कायंत्रित शैल, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर आठवें का नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा आग्नेय शैल। से आप जल्दी से 8400 400 400, जी हाँ, याद कर लीजिए व्हाट्सएप नंबर, क्योंकि अब चाहे आपका मैथ्स का सवाल हो या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का, आपके हर डाउट हर क्वेश्चन का मिलेगा तुरंत वीडियो सॉल्यूशन, वो भी सीधा आपके व्हाट्सएप पर। बस अपने फ़ोन पे डाउट का 8400 400 400 व्हाट्सएप नंबर सेव कर लीजिए और चार्ट ओपन कीजिए। फिर जो भी आपका डाउट है उस सवाल की, आपको बस फोटो खींचनी है, उसे क्रॉप करना है और 5 सेकंड में आपको उसका वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। क्लास 6 से 12 IIT, JEE, NEET, CBSE बोर्ड और सभी स्टेट बोर्ड के बच्चों के लिए। तो देर किस बात की, अभी जाइए और 8400 400 400 पर अपना सवाल व्हाट्सएप कीजिए और अपने सभी डाउट्स को आउट कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, करिए अपनी कॉपी में। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है, धात्विक खनिजों का मिश्रण है गंधक, संगमरमर, ग्रेनाइट, सीमेंट। क्वेश्चन नंबर 9 का घा नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा सीमेंट। इसे भी आप नोट करिए अपनी कॉपी में। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है, मेला काइट का रंग कैसा होता है, हरा, श्वेत, लाल, पीला। क्वेश्चन नंबर 10 का नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा हरा। इसे आप जल्दी से नोट करिए अपनी कॉपी में। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 दिया हुआ, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पंचनद में शामिल नहीं है, रावी, सिंधु, चेनाब, झेलम। क्वेश्चन नंबर 11 का खा नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा सिंधु। इसे आप जल्दी से नोट करिए कॉपी में अपनी। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 दिया हुआ, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल का शोक के नाम से जानी जाती थी, गंडक, कोसी, सोन, दामोदर। क्वेश्चन नंबर 12 का घा नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा दामोदर। इसे आप नोट करिए अपनी कॉपी में। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 दिया हुआ, निम्नलिखित में से कौन सी अलकनंदा भागीरथी का संगम स्थल है, विष्णुप्रयाग, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, देवप्रयाग। क्वेश्चन नंबर 13 का घा नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा देवप्रयाग। इसे जल्दी से नोट करिए अपनी कॉपी में। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 दिया हुआ, हिमालय अपवाह तंत्र में शामिल नदी है गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 14 का घा नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा उपरोक्त सभी। इसे भी आप नोट करते जाइए अपनी कॉपी में। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 दिया हुआ है, नमामि गंगे परियोजना किस वर्ष शुरू की गई, पहला ऑप्शन दिया हुआ 2000, दूसरा ऑप्शन दिया 2008, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ 2014, चौथा ऑप्शन दिया 2018।
क्वेश्चन नंबर 15 का घ नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा 2014। इसे भी आप नोट करते जाइए अपनी कॉपी। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र क्षेत्रफल कौन सा देश क्षेत्रफल में भारत से बड़ा है? चीन, फ्रांस, मिस्र, ईरान। क्वेश्चन नंबर 16 का क नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा चीन। इसे भी आप जल्दी से नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा है? बांग्लादेश, पाकिस्तान, चीन, म्यांमार। क्वेश्चन नंबर 17 का क्या नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा बांग्लादेश। जल्दी से नोट करते जाइए अपनी कॉपी में। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 दिया हुआ है, भारत की उत्तर से दक्षिण तक वास्तविक दूरी है 3214 किलोमीटर, 3132 किलोमीटर, 3124 किलोमीटर, 4231 किलोमीटर। तो क्वेश्चन नंबर 18 का क्या नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा 3214 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 19 में दिया हुआ है, भारत से मन्नार की खाड़ी और पाक जल संधि के द्वारा अलग हुआ देश है? पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार। क्वेश्चन नंबर 19 का गा नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा श्रीलंका। इसे जल्दी से नोट करते जाइए अपनी कॉपी में। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 में दिया हुआ, भारत का मानक यमोत्तर है 69°30' पूर्व, 75°30' पूर्व, 82°30' पूर्व, 90°30' पूर्व। तो क्वेश्चन नंबर 20 का गा नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा 82°30' पूर्व। दोस्तों ये थे प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर 20 तक के प्रश्नों के उत्तर। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।